हाँ भाई, तो कौन है कह रहा है कि मतलब कुछ बॉलीवुड खर्चा नहीं करता है? किसने कहा ऐसा? हमारे सलमान भैया हर बार कुछ यूनिक लेकर के आते हैं, बड़े बजट की मूवी लेकर के आते हैं, हर बार स्टोरी अलग होती है, और कोई नहीं बोलेगा कि नंगा पहलवान आकर के सिर्फ शर्ट उतारता है। मैं तो सिर्फ बात करूंगा पब्लिक की कि भाई पब्लिक एग्जैक्टली जाकर के क्या कह रही है। तो चलो यार, काफी दिन के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई यहाँ पे अभी आज के दिन में जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना ट्विटर पे, वो है कभी ईद कभी दिवाली। वैसे मुझे याद है ये जब मलंग मूवी आई थी ना, उस वक्त में इसके बारे में चर्चा चल रही थी कि भाई इस ईद में जो है आने वाला है और राधे पहले आएगा, उसके बाद वाले ईद में वो आ जाएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। अब देखो, इससे पहले कि पब्लिक कुछ कहे, मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि भाई जहाँ पे फरहाद सामजी उस गया ना, समझो उस मूवी की माँ बहन कर गया। फरहाद सामजी वो प्राणी है जो अच्छे से अच्छी मूवी की वाट कैसे लगाई जाती है इनसे सीखे। कभी ईद कभी दिवाली, एवरीबॉडी इज गैंगस्टर टिल यू सी द मॉन्स्टर, बॉलीवुड का सुल्तान सलमान खान। वाओ यार, फैंस मींस फैंस। एक्टर सलमान खान बिगन शूट फॉर हिज अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली अलॉन्ग विद द पूजा हेगड़े। वी ऑल वॉन्टेड मासी फिल्म विद अंतिम लुक, हेयर इट इज। कभी ईद कभी दिवाली # सलमान खान, और एक तरफ में है अंतिम का फोटो, दूसरी तरफ में है कभी ईद कभी दिवाली। यार देखो, मैं सच बताऊ ना, जैसे ये पहला पिक मैंने देखा ट्विटर पे, मुझे कहीं से रिकॉल आया कि ये कहीं राधे फिर याद आया, नहीं राधे में नहीं, ये अंतिम में था ये लुक, और उसी लुक को जो है उठा के यहाँ पे डाल दिया है। और तो और आगे दिखाता हूँ, आगे में एक शॉट में दिखाया जा रहा है जहां पे मतलब फिल्म की शूटिंग चल रही है, ऑलरेडी शूटिंग ऑन हो चुकी है, वहां पे सलमान खान एक एक्शन सीक्वेंस करते हुए दिख रहे हैं। ये बड़े वाले बाल में जब भी वो आए है ना, फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है, हाँ अंतिम को छोड़कर। सच बताऊं तो भाई पर्सनली मुझे काफी दमदार लगा, मैंने बोला इसको कहते हैं मूवी, इसको देख करके लगा कि हाँ मैंने कुछ देखा है। तो भाई मुझे फर्स्ट लंबे बाल वाला लुक याद है, सावन द लव सीजन, जहां पे वो एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, और मेरे हिसाब से वो एक गेस्ट अपीयरेंस था, पूरा फुल फ्लेज सलमान खान मूवी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मूवी देखा, फ्लॉप हो गई, उसके बाद से फिर वीर फ्लॉप हो गई, उसके बाद से अभी ये नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया वेट कर रही होती है कि भाईजान आएंगे और हमें स्क्रीन पे ईदी देकर जाएंगे, और वो ईदी लेने के लिए मैं भी उम्मीद करता हूँ। Had this look in Antim, nothing new, same old masala style action. Honestly speaking, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है कि इस फिल्म में कुछ नया होगा, बस नाम बहुत यूनिक लग रहा है मुझे। Okay, let's move on to the next comment. पता नहीं किस किस को टैग किया है, I bad as Salmanic and being Salman. Okay, mass look, sandas look. मास लुक, संडास लुक, संडास लुक मीन्स संडास का वर्ड आई थिंक सबको पता होगा जो भी महाराष्ट्र से है, और वैसे बहुत सारे लोग सैंडस रोड को संडास रोड बोलते हैं। ईद का नाम दिवाली से पहले क्यों? अरे यार, ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यहाँ पे भी घुसेड़ दिया, निकालो इस साले को। कौन है ये राजू? ये राजू मेरा पैसा दे। अगेन अ चैलेंज टू ग्रेविटी। ओके, फिजिक्स की माँ बहन करने भाईजान फिर से आएंगे और हम सबकी बचाएंगे। नेक्स्ट, भाई साहब को पता है बिगेस्ट डिजास्टर मूवी होने वाली है, फिर भी क्यों मूवी बना रहे हो? वो तो भाईजान से जाके पूछना पड़ेगा, भाईजान इतने सारे एनजीओ चलाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पैसे आते रहना चाहिए। बोल करके बैठा था कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, लेकिन फिर भी आ गया है, सो मुंह जले उससे बेटर है मैं शूट खत्म कर लेता हूँ। सो आई एम बैक टू द बिजनेस। तरुण बसीडिया ने कमेंट किया है, भाई हाइप इंक्रीज तो हो रही है लेकिन सस्पेंस भी खत्म हो रहा है। भाई के फिल्म का एक एक फुटेज लीक हुआ है, पूरा सस्पेंस खत्म, इनको रोटीज वाला सल्यूट देनी चाहिए। वॉन्टेड जैसा ट्रेन सीन होगा तो मजा आएगा, ये अभी भी 2009 में जी रहा है यार, क्या नाम है, सईद। ओके, शिवम राज, वो है किस वेरम का रीमेक, सो उसमें एक मास ट्रेन फाइट है, देन इसमें भी होगा। ये रीमेक है, ये रीमेक है, ऐसे ही देते रहो, ये सब देख के मूवी के लिए एक्साइटमेंट इंक्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे ही हाल मेरे पठान के साथ है, एक एक करके फुटेज लीक होता जा रहा है और मेरा इंटरेस्ट खुद ही लीक करते, खुद ही बोलते हैं ये फोटो डिलीट करो, पोस्ट मत करो, वरना केस हो जाएगा। क्यों कर दिया लीक? मेट्रो ट्रेन फाइट लग रही है। हाँ वैसे एक आर्टिकल मतलब न्यूज़पेपर में कल परसों ही आया है कि सलमान खान की जो नई मूवी आ रही है कभी ईद कभी दिवाली, उसके लिए स्पेशली एक मेट्रो स्टेशन क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, अंबानी का इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है, उसके एक स्टेशन को ले लो ना यार कुछ घंटे के लिए, नहीं फिर मुंबई की पब्लिक पागल हो जाएगी। नहीं नहीं, आप अलग से बना लो भाई, चलेगा। अब फरहाद पर भरोसा हो रहा है कि बढ़िया बनाएगा, कौन है साला ये? बीइंग स्टीव, नोलन डायरेक्टर नहीं है। डिलीट करो भाई, ये सलमान खान को बोल रहा है, डिलीट कर वीडियो अभी। सलमान खान को पता चला ना, गाड़ी लेके घर में घुस जाएगा तेरे। भाई प्लीज, मैं गरीब हूं, मेरे पे गाड़ी मत चढ़ाना। तुम सलमान खान के फैन हो या उसके दुश्मन हो यार,
मतलब इतनी बेइज्जती से कौन बोलता है अबे डिलीट कर दे, मतलब किसी यूट्यूबर को बोल रहे हो क्या कि देख वीडियो डिलीट कर दे वरना बहुत बुरा होगा। वैसे ये धमकी मुझे हर दिन मिलती है। ओके सो बहुत हो गया सल्लू भाई आ जाते हैं हमारे अक्षय कुमार के ऊपर में और पब्लिक क्या बोलती है वो भी देखूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू। जब पृथ्वीराज चौहान का मैंने ट्रेलर देखा मुझे उसमें सब कुछ अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अच्छा नहीं लगा। लेकिन अक्षय कुमार मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगे थे उस ट्रेलर के अंदर में। मैंने फिर भी खुद को दबा के रखा कि ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि अभी सिर्फ एक ट्रेलर देख रहा हूं, क्या पता मूवी के अंदर में कुछ अलग हो जाए जैसे कि जयेश भाई जोरदार के साथ में हुआ। मतलब सबको ट्रेलर बेकार लग रही थी, मुझे पूरा भरोसा था कि वो मूवी अच्छी है क्योंकि रणवीर सिंह मींस ऑसम एक्टिंग होगा उनके पास से, और मूवी अच्छी निकली तो इसका भी वही उम्मीद कर रहा हूं। ट्रेलर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी मुझे, और जहां जहां पे अक्षय कुमार दिख रहे थे ना मुझे ऐसा लग रहा था बस यही कर रहा है वो बंदा। एज यूजुअली वो एक्टिंग कर रहे थे, कोई एफर्ट नहीं था। और सबसे गंदी बात ये हुई ना कि उस मूवी के बारे में ये भी रिवील कर दिया कि अक्षय कुमार ने पूरी मूवी की शूटिंग 42 डेज के अंदर में कंप्लीट कर दिया। मतलब ये पृथ्वीराज चौहान जो कैरेक्टर है ना उसके लिए ही बहुत बड़ी इंसल्ट है कि आप 42 डेज के अंदर में उस कैरेक्टर को घोल के पी भी गए और आपने एक मतलब फिल्म भी बना ली। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर था ना रणवीर सिंह ने उसको जिस तरह से जिया था और जो शूट हुआ था वो जो क्रिएशन था ना बॉस उसके अंदर में मेहनत थी। और वहीं एक राजा की अगर बात आ जाए, अगर कोई भयानक या फिर कोई भी बहुत बड़ा वीर ना भी हो ना, अगर नॉर्मली एक राजा का अगर रोल प्ले कर रहे हैं ना सबसे पहले उसकी बॉडी वैसी होनी चाहिए। उसका हाइट होना जरूरी नहीं होता है, एक बॉडी पैटर्न होता है वो, साथ ही साथ उसका वॉक करने का स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, उसकी आवाज में एक तेज तर्रार सी मतलब एक फीलिंग आती है, वो चीज नहीं था। अब देखते हैं कि पब्लिक क्या बोल रही है। मुझे एक लिंक आया था तो उस लिंक के ऊपर से मैं ओपन कर रहा हूं। हे यार देखो कैरेक्टर के लिए ये पोस्टर ना एकदम जस्टिफाई करता है कि हाँ ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही है जस्ट लाइक अ शेर बब्बर, लेकिन यार नो इट्स नॉट लाइक दैट। जो लोग लिख रहे ना ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शेर की दांत ज्यादा साफ दिख रहे हैं और इसने तो गुटखा खा के पीले कर लिए। मोहम्मद इमरान पाकिस्तान को भाई टैग किया है, फैंस लोगों की बैंड बजाई जा रही है पब्लिक द्वारा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्या बोलती पब्लिक इस बारे में जानते हैं। बाला इज बैक स्ट्रेट फ्रॉम द सेट ऑफ हाउसफुल। बाला हाँ बस उसमें गंजा था, इसमें सर पे एक टोपी। आदित्य चोपड़ा बना रहा है संजय दत्त है, अक्षय कुमार गुटखा बेच रहा है, नाम सिर्फ पृथ्वीराज, कोई श्री श्रीमान महान कुछ नहीं, और अचानक से रोर बीसी कोई ईमान धर्म है, तुम भक्तों का या जो आगे से आया चिपका दिया। भाई पब्लिक आजकल ना बेस्ट राइटिंग कर रही है, मतलब उनको दे दो यार स्क्रिप्ट उठा करके बहुत अच्छी लिखेगी। और मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल के लिए भी रख दूँ, मैं कुछ भी बकचोदी करता हूँ। दिस इज 16 सेकंड्स वीडियो इज फार बेटर देन अक्षय कुमार पृथ्वीराज होल ट्रेलर एंड आई थिंक फिल्म ऑल्सो पृथ्वीराज ट्रेलर रॉस हद दे। सही बोला भाई। द नेम ऑफ द फिल्म शुड बी चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इफ यू मेक अ फिल्म नेम ब्रदर देन एटलीस्ट यूज द नेम इन द राइट वे, थैंक्स। देखो सबसे पहली बात, कोई भी रियल कैरेक्टर का नाम पूरे तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम इसी पे आधारित होकर के ये फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ ऐसी चीज ऐसी होगी जिसको मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हो कि एग्जैक्टली वो कैरेक्टर नहीं है, हम इंस्पायर हुए हैं और ये उस कैरेक्टर को नहीं दर्शाता है। जब भी कोई हिस्टोरिक मूवी बनती है तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है कि इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं और इसका किसी भी जीवित या मृत्यु व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मात्र एक सहयोग है। मुझे वो शक्तिमान वाले डिस्क्लेमर दिमाग में और मैंने पढ़ दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। सो दैट्स इट। नेक्स्ट है ध्रुव वाट्स की तरफ से, अक्षय कुमार को लेकर के बेइज्जती कर दी हमारी महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार की आवाज में राजपूतों वाला दम नहीं है, इससे ज्यादा मजा तो धरती का वीर युद्ध पृथ्वीराज चौहान देखने में आया था, मैं आज भी वो सीरियल देखता हूँ मोटिवेशन के लिए। एग्जैक्टली बॉस, वो बंदा फिर जोधा अकबर नाम का एक सीरियल था उसमें भी आया, और मुझे लगता है ना कि अब तक के इंटायर जितने भी हिंदी इंडस्ट्री के अंदर में राजा का रोल जिसने भी प्ले किया हो, ठीक है जिसने भी, लेकिन सबसे बेस्ट अगर किसी ने प्ले किया है ना उस बच्चे ने बचपने में पृथ्वीराज चौहान के रोल पे, और उसके बाद से फिर वो जोधा अकबर में, वो जब आवाज में बात करता है ना कि हमने कहा था बेगम साहिबा को, मतलब
कुछ अलग तरह से होता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। उसको जब भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसको किसी और कैरेक्टर में देख ही नहीं सकता, इसको सिर्फ किंग का रोल दो बॉस। उसके आवाज में, उसकी आंखों में, उसकी मतलब हर एक चीज में जो एटीट्यूड रहता है ना, एकदम परफेक्ट फॉर अ किंग। और अगर वो बंदे को ये यहाँ पे डाला होता ना, उसकी करियर जो है कहीं और पहुंच गई होती। लेकिन क्या करें, हमें सिर्फ बड़े स्टार्स को देखना है और हम कॉन्टेंट पे आजकल कहाँ ध्यान देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी अगर आज जिंदा होते तो ये युद्ध आज अक्षय कुमार के साथ भी हो जाता। Amazing man, amazing. Face देख के लगता है पीछे से किसी ने डाल दिया है। यार अहमद अली क्या लिख रहे हो यार, ये मैं कहना चाहता था, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, थूथू करने में है। सो अभी के लिए बस इतना ही कि क्या बोलती पब्लिक, मतलब मैं सोशल मीडिया से कुछ चीजें उठा करके आपके सामने रखता हूँ जो कि पब्लिक ज्यादा रिएक्ट कर रही होती है। तो आपका ये पब्लिक रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना। और वैसे जाते जाते मैं बता दूं, आज के दिन में ट्विटर पे सुबह से सबसे पहले तीन चीज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे थी। आई थिंक तीन नहीं, चार चीज ट्रेंडिंग पे थी। मैंने सिर्फ दो चीजों के बारे में बोला है, एक पृथ्वीराज चौहान, दूसरा जो है कभी ईद कभी दिवाली, तीसरा जो है डंकी। डंकी का जो है लोग और फैंस जितने भी है सब अलग अलग पोस्टर बना करके पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे, और मुझे उनमें से दो पोस्टर काफी मस्त लगे, जो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस स्टोरी के साथ में जा रहा है। आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। तो ये दो पोस्टर जो है कुछ फैंस लोगों ने बनाया है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे ये ऑफिशियल पोस्टर नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन पे बताओ। और एक और न्यूज है जो कि काफी ज्यादा दुखद न्यूज है, और वो न्यूज ये है कि साइमन जो एक क्रिकेटर है वो 46 के एज में गुजर चुके हैं एक कार एक्सीडेंट में, और वो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है हैशटैग शॉक के नाम पे। तो अगर आप चाहते हो उसके बारे में और जानना तो ट्विटर पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक चीज जाते जाते, आई होप कि मैं सारी चीजों से रिकवर हो रहा हूँ और अब मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आऊंगा। इस हफ्ते मैंने अपने रिव्यू चैनल पे जो है मूवी का रिव्यू भी नहीं दिया है, वरना हफ्ते में एक वीडियो तो आ जाता था। इस हफ्ते मैंने वो भी मिस कर दिया है, देन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक शॉर्ट सा रिव्यू आपको कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।